तो हेलो दोस्तों, इट्स मी डांसर सनातन। मेरे यूट्यूब चैनल डांसर सनातन में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे थे और यहाँ पर एक जो कि जमशेदपुर ठहरे हुए थे, एक हम लोग ओयो के एक होटल पे, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए। इधर होटल से बाहर आ गए हैं जो कि यहीं पर ओयो का होटल जो कि आप लोग दिखाया था माई ड्रीम हाउस बोल के, तो वहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से हमारा ये धन्नो जी बाहर में यहीं पर खड़ी है, धनों को लेते हैं। पहले हमारे मार्क्स भी खो चुकी है कहीं पर, तो लग रहा है एक मार्क्स हमें पहले तो लेना पड़ेगा। अच्छा बाइक तो बाहर ही होगा सर, इधर खड़ा किया है, यही हमारे धनों खड़ी है तब से, मतलब तब से क्या, रात को उधर वहीं पे था और अभी सुबह आ चुके हैं। हम लोग धनों को अपने लेते हैं और अभी तो निकलते हैं। इधर से हमें अभी जू जाना है, तो चलिए अभी चलते हैं जू तरफ और घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या आखिर है। रांची वाला जू तो आप लोगों को दिखाया था, अभी जा रहे हैं जमशेदपुर के घूमने के लिए जो है, और वहाँ से अभी और कहाँ जाएंगे चलिए हमारे साथ रहिए। और यहाँ से जैसे कि जमशेदपुर आए थे तो ये भाई लोग भी मिले जो कि हमारे वीडियो देखते हैं, कि देखते थे कि हमारे वहाँ टिकटॉक जो वीडियो बनाते थे। बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे यूट्यूब से डायरेक्टली लिंकअप नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, लेकिन बाकी अधिकतर हमारी वीडियो जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है उन्हीं में से देखा है। उसके लिए थैंक यू, आप लोग इतना सारा प्यार किया और सपोर्ट किया और शेयर किया उसके लिए। तो चलिए अभी हम लोग धन्नो लेते हैं और निकलते हैं इधर से। इसके लिए मास्क, क्योंकि हमारा जो मास्क लेके आए थे वो किधर गिर गया, किधर गुम हो गया पता नहीं चला। और अभी जानते हो कि यार जितना हो सके अपना सेफ्टी रहना अच्छा है, और इसीलिए हम एक मास्क ले लिए। अभी दोस्त उस साइड पर रोड के उधर खड़ा है, अभी चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना है और नहीं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी इधर ही, तो फिर आगे हम लोग कुछ सर्व कर नहीं पाएंगे, मतलब कहीं जा नहीं पाएंगे। तो हमने पार्क कर दिया है बाइक को, हमारा जो जुबली पार्क है उसी के बाहर, और हम लोग इधर से रोड है जो कि चलते हुए जाएंगे अभी जू पर। तो देखते हैं उधर के क्या क्या है सीन, कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ लोचा। तो इधर से जा रहे थे पीछे से जमशेदपुर जी का जो दिखाया था स्टेचू, तो उधर से होकर जा रहे थे, तो अंदर क्या हुआ बंद कर दिया गया, अंदर घुसने नहीं मिला। तभी जा रहे हैं फिर से हम लोग बाइक लेते हैं और उधर थोड़ा सा राउंड करके है, तो राउंड करके भी जाएंगे घूम के वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, हमारे धनो वहीं अकेले खड़ा है, उससे ज़्यादा हमको टेंशन रहता है इसीलिए। दोस्तों यहाँ पर लोचा हुआ कि हम लोग कैमरा वगैरह नहीं ले सकते, तो मोबाइल से एक थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे और देखेंगे। पहले तो हम घूमेंगे इधर का, और जैसे कि एक लूक वाला गमछा देख रहे हैं गर्दन में, अभी एक हादसा हुआ, मतलब क्या हुआ अभी बताएंगे आप लोग बताएंगे। चलिए अभी अंदर घुस लेते हैं हम लोग, अंदर से गेट है। तो दोस्तों अंदर तो हम लोग घुस गए हैं, और ये देखिए जो भी बोर्ड है इसका देखा आगे डायरेक्शन बताया गया है। और अभी जो बता रहे थे घटना क्या हुआ हमारे साथ, क्या हुआ कि जैसे गमछा देखे ना, तो यहाँ पर जो जुबली पार्क है, जुबली पार्क के बाहर खड़े थे, तो एक पट से लड़का देखा कि भाई नहाने के लिए आए हो क्या, अंदर में जाकर क्या नहाने के लिए, ये तो पार्क बंद है। तो बोले भाई हम नहाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ आए घूमने के लिए। ब्रो नहीं ब्रो, आपका गमछा देखा ना तो मैंने लगा कि नहाने के लिए आए। इधर के किसी के पर्सन के पास ये मतलब इस तरह से गमछा नहीं है, कोई गर्दन में ला के गमछा दिखे, क्योंकि इधर सोचते शायद कहीं ना कहीं ये गांव वाला ही ऐसे लगाते हैं हम लोग और घूमते हैं, ठीक है। इसीलिए यार हमारे वीडियो में देखते हैं, सभी वीडियो पर हमारे गमछा तो रहती है गर्दन पर, है ना। तो इसीलिए बोले चलो हमारा गमछा ब्रो बैग में कहाँ भरा, एकदम घुमा के यार गाँव के है तो कहला उसे दिखाएंगे। तो चलिए अभी चलते देखते हैं क्या है, एक दो दिखाएंगे आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखा, तो ठीक है। जू पे यही कुछ है जो कि आप लोग को देखिएगा, तो यही सब देखने को मिलेगा, अभी वो सब दिखाएंगे नहीं। बाकी यदि आप लोग इस सब के बारे में यदि जानना है तो हमारे जो पहला ब्लॉग डाले हैं रांची वाला उसी पे देखिएगा, वही सब व्हाट्सएप यहाँ पर है। तो कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, यदि कुछ अनोखा कुछ देखने को मिलता है तो आप लोग ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो हमारे साथ चलिए घूमिए जमशेदपुर का जो चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर में चलिए घूमते हैं और आप लोग भी दिखा। यहाँ मंकी भी है बहुत सारे वैरायटी की जो कि देख रहे हो, और ये वाला थोड़ा सा मंकी हमें थोड़ा सा दूसरा लगा, अरे ये शायद ओल्ड हो गया शायद, इसीलिए वो दिख रहा है इस तरह से ना चर्बी हो गया शायद, घूमने कहीं नहीं मिला जा रहा है मंकी को यार, एक जगह पर रखेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा। इधर से भी बहुत सारे हैं जानवर, क्या क्या है। हेलो 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 हेलो, देखिए सिसस बंदर, अच्छा सबको अपना अपना वैरायटी है। यहाँ पर भी एक मंकी है, इनका भी ये भी अपना दूसरा प्रजाति है, और ये तो पूरा देख रहे हैं मनीष आदमी सुनेंगे कि पूरा चर्बी हो जाता है, इसका भी चर्बी देख रहे हो कैसे हो गया। हेलो हेलो हेलो, अब देखिए कितना ख्याल रखा जा रहा है,
और पिंजरा के बाहर ऐसे देख रहा था, लग रहा है मासूम आंखों से हम लोग को ही देख रहा है कि यार प्लीज हमको बाहर कर दो। कितना ख्याल रखा, देखे देखे दूसरा मंकी का, वो लेटा हुआ है, उसका पूरा बाल नोच नोच का जो गंदा चीज़ सब हटा रहा है। हम लोग जो मंकी देखते हैं वो नॉर्मल मंकी रहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका नाम मैंड्रिल मंकी ने क्या बोला इससे कुछ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सोचा कि लोग भाग तो नहीं जाएगा, तो देख रहे हैं अच्छा पानी साइड पे दिया गया है ताकि उछल के पानी में आ गया ही नहीं, लोग कूदेगा ही नहीं तो बाहर कैसे जाएगा, इसीलिए साइड में पानी दे दिया। उधर भी बहुत सारे मंकी है, इधर भी है। फीमेल वाला वहाँ पर लिखा हुआ था 10 से 15 किलो का होता है, और वो लोग लगभग 50 किलो तक लास्ट होता है मेल वाला मंकी। और वहाँ पर एक देख रहे महाराज जी कैसे दिख रहा है उसका नाक, बड़ी खतरनाक टाइप का लग रहा है। अभी और भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या है। ये पानी में कितना आराम फरमा रहा है। और यहाँ पर तेंदुआ भी रखा गया है, और जो कि देखिए वो वाला वीडियो पे आप लोग देखे नहीं होंगे ठीक से, लेकिन इसमें देखिए कितना दिख रहा है, कैसे बैठा हुआ एकदम पूरा मस्ती से। हेलो, बाहर निकलेगा ना चीर फाड़ देगा। इधर से देखते हैं और क्या क्या है इधर। हेलो 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 हेलो, देखिए मेरा तरफ ही देख रहा है और आप लोगों को तरफ भी देख रहा है। देखिए हेलो ना लो, तो देखिए दोस्तों एक स्टेचू, अरे मेरा मजाक उड़ा दिया मेरा, सबको बोल रहा स्टेचू हेड का हिलाया। और उधर भी देखिए दो दो साउथ अफ्रीकन लायन, जो कि ये देख रहे हो आप लोग, दो दो यहाँ पर है साउथ अफ्रीकन लायन, आप लोग भी देख लो। ये भी है जो कि हमारे दोनों जू पे देखे वो भी था, वहां पर भी था, और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हमें भी देखने को मिला फिर से। हेलो 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 हेलो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। तो देख लीजिए हमारे आलोक जैसे कितना छोटकू छोटकू सा प्यारा प्यारा सा है हिरन का बच्चा। हेलो हेलो हेलो, अरे देखो पूरा दौड़ रहा है इधर उधर के। तो यहाँ पर जैसे हम लोग घूम रहे हैं, कुछ फॉरेनर भी शायद आए हुए हैं, देख सकते हो कुछ यहाँ पर घूमने के लिए, और हम लोग भी घूम रहे हैं जू पे। इतने सारे मोर है, इधर भी है बहुत सारे, इन लोग बहुत सभी लोग लगभग पंख है उधर, जो कि हम लोग अधिकतर देखे थे जिसका पंख नहीं था। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा है बैठा हुआ है इधर, उन लोग का नहीं है वो शायद फीमेल है, ये सब वो देखिए सबसे मस्त दिख रहा है। हेलो घोपरे बजते हुए वो भी देखिए, हेलो 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 हेलो, ये फाइनली जीराफ भी देख लिया हमने। हेलो देखो कितना सुंदर है जीराफ, फाइनली हम लोग सामने से देख लिया, घोड़ा ही देखा था, घोड़ा जैसा ही है देख सकते हो, इधर से भी देखा थी। दोस्तों पूरा जू घूम लिए, कहीं मजा नहीं आया घूमने में, लेकिन सबसे ज्यादा मजा देने वाला ये चीज मिल गया हमें, कान खुजलाया जाएगा सबसे ज्यादा मजा। सब अपना जो है अपना जुगाड़ खोज ही लेता है, वेली मिल गया। तो अभी इधर तो लगभग हम लोग सभी जगह घूम लिए हैं। तो दोस्तों अभी देखा आप लोगों ने कि हमने कुछ कुछ फोटो सॉरी कुछ कुछ वीडियो हमने देखा है आपको, वीडियो अंदर का जो कि जू का था, लेकिन अच्छा था। अब यदि रेटिंग वाइज बोला जाए मुझे वहाँ रांची वाला यहाँ का, तो रांची वाला बेस्ट था, इससे अच्छा था ठीक है। बाकी इधर सुंदरता की बात करें चारों तरफ वो भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ तो और भी ज़्यादा पेड़ जैसे थे, बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे ठीक है, बहुत अच्छा लगा था वहाँ का भी जू और यहाँ का भी, लेकिन हमें वही वाला बेस्ट लगा था। अभी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है और इधर हम लोग जू घूम लिए, इधर सामने भी पार्क था, हम लोग क्या हुआ कि दिक्कत अंदर घुसना आज मना था, और पिछले बार जो कल ही गए थे हम लोग घुसने के लिए, तो वहाँ पर देखे कि गेमिंग के लिए जो पार्क जो खुला था तो उसका करीबन 400 रुपया पर हेड। अब 400 रुपया दे के अंदर घुसना तो मुमकिन नहीं होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया वो छोड़ दिया, वो अंदर नहीं घुसा। और आज इसीलिए बोले छोड़ो आज नहीं जाए, उधर नहीं जाएंगे, अभी आए हम लोग इधर
जू जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे कि अभी खुल चुका है, पहले खुला हुआ नहीं था, तो जिसके चलते दिक्कत हो रही थी, कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा था। मैंने सोचा क्या यार कोई है आ नहीं रहा है, क्या बात है। तो पूरा कि अभी किसी को नॉर्मली किसी को पता नहीं है कि खुल चुका है, इसीलिए अभी लोग उतना कम आ रहे हैं। और उधर बंद है तो सबको लग रहा है बंद ही है, तो इसी कारण उसे कोई आया नहीं, मतलब आ रहा है बहुत, कोई जो जिसको जिसको पता चल रहा है तो आ रहे हैं। जैसे कि अभी देखे एक फैमिली आए और भी एक दो बहुत सारे लोग आए। तो दोस्तों जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर पार्क में, और यहाँ पर जैसे कि सुबह के 11 या 10 बजे से है शाम 4 बजे तक, तो आप लोग भी आइए तो देखिएगा, ज़रूर घूमिएगा, ठीक है। और हमने रील्स का भी वीडियो बनाया एक दो, तो आप लोग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है इंस्टाग्राम का, जाकर फॉलो कर लीजिएगा, तो आप लोगों को वहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग अपना धनों को लेते हैं और निकलते हैं अपना आगे की ओर, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।